हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज की ये वीडियो आप उन सभी सिंगल फ्रेंड्स के लिए है जिनके विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लव मैरिज करना चाहते हैं, पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी शादी ही नहीं हो पा रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुंडली मैच नहीं कर रही है। तो ऐसे में आपको ये छोटी सी टिप जरूर फॉलो करनी चाहिए। करेंगे किस दिन? होली वाले दिन। जी हाँ, क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं, और फिर 5 सुपारी, और साथ में 5 लवंग लेनी है, 5 हल्दी की गांठ लेनी है, और 5 आपको पीले कलर की मिठाई लेनी है। आप चाहे तो मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, या फिर आप केसर पेड़ा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इतनी आइटम लेकर के आपको किसी भी शिवालय में जाना है, शंकर भगवान जी की मंदिर में जाना है, शाम के समय जाना है। आप चाहे तो सनसेट के समय भी ये उपाय कर सकते हैं, या थोड़ी लेट करेंगे तो भी चलेगा। अगर मंदिर में अलाउड है तो आप भोले बाबा का पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक करें। कुछ प्लेसेस पे संध्या समय में अलाउड नहीं होता है, जैसे मुंबई में कुछ टेंपल्स में अलाउड नहीं होता है शाम के समय अभिषेक करना। तो क्या करेंगे, आप मानसिक रूप से वहीं मंदिर में बैठ करके बाबा का अभिषेक करें, उनका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं उन्हें, और उसके बाद में जो सामग्री मैंने बताई है, पान के पत्ते आपको लेने हैं 5, उस पर 1-1 सुपारी रख देंगे आप, साथ में 1-1 आपने जो स्वीट लिया है वो स्वीट रख देंगे, 1-1 हल्दी की गांठ और 1-1 लवंग आपको रख देना है, और साथ में आपको 1-1 रुपए का कॉइन भी रखना है 5 पान के पत्तों पे। और इन सभी को आप भोले बाबा के शिवलिंग में, जो शिवलिंग है उसमें पे जो बेदी बनी होती है ना, वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करेगा कि आप शिवलिंग के ऊपर नहीं रखेंगे। आपको मैं बता रही हूँ, जो बेदी होती है, जल चढ़ाते हैं तो जल जब गिरता है ना जहाँ से नीचे, उसको हम बेदी बोलते हैं। बेदी मीन्स वहाँ माता पार्वती का वास होता है। तो आप ये सारी चीज़ें माता पार्वती के लिए अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम भोले बाबा पे हल्दी नहीं चढ़ाते हैं। तो अगर आप हल्दी की गांठ भोले बाबा के शिवलिंग पे डायरेक्ट रख देंगे तो आपको ये अपराध लगेगा। इसलिए इस बात को याद रखें कि आप वेदी के ऊपर इन आइटम्स को अर्पित करेंगे, और फिर आप माता से और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएं। ये टिप फॉलो किस दिन करनी है? होली वाले दिन आप करेंगे। आपने होली वाले दिन ये टिप को फॉलो किया, उसके बाद इसी सेम टिप को आप जिस दिन भी मासिक शिवरात्रि होती है उस दिन अगेन करेंगे। ऐसा आपको बार बार करते रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बार उपाय करने से ना असर नहीं करता है, इतने हम सौभाग्यशाली नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ एक बार में ही उपाय असर कर जाए, पर मोस्टली सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपको कम से कम इस उपाय को 5 बार करना है। जब आप ऐसा करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर होकर के और प्रभु जी की कृपा से आपका विवाह जरूर हो जाएगा। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, और जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन आप पूर्णतः स्वच्छता बनाए रखेंगे, इस बात का याद रखें, और प्रभु के भजन पूरे दिन करते रहना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इंस्टा पे, FB पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।